तो बाइक को अभी ठंडा कर रहे हैं ठंडा पानी से, देख सकते हो। डिस्कवर का हालत पूरा खराब हो गया है। लड़के सिर्फ लड़के और लड़के, तो इधर दो पीस का रेडी हो रहा है, दो ही पानी पूरी। तो खाने के बाद रिव्यू वगैरह देते हैं कैसा है। तो ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं चाहिए और 23 जैसे सब्सक्राइबर चाहिए, तो जल्दी सब्सक्राइब करें तो तभी और भी अच्छा अच्छा ब्लॉग आने वाला है, तो देखते रहो वीडियो। Hey guys, welcome back to my channel. This is Mangat Dutt. तो स्वागत आप लोग और एक न्यू ब्लॉग में। तो आज हम लोग जा रहे हैं उदयपुर। तो बहुत टाइम सोचने के बाद प्लान हुआ है। पहले सोचा था कि साब रूम में जो लुधिया चा बागान है उसमें, तो अभी जा रहे फिलहाल उदयपुर जो कि राजबाड़ी है उधर। तो अभी तो फिर से डिस्कवर लेके हम लोग जा रहे हैं। चलो भाई ना उदयपुर। हाँ हाँ भाई चलो, आज चलते हैं उदयपुर राजबाड़ी। उदयपुर हमारा जो जुलावेरी है, जुलावेरी से 45 किलोमीटर है इधर राजबाड़ी। पहले दिखा रहा है इधर से 1 घंटा लगेगा, 40 किलोमीटर। 1 घंटा लगेगा, 40 किलोमीटर। हाँ 40 किलोमीटर है। तो फिलहाल चलते हैं। तो अभी रोड पे है फिलहाल, तो टाइम हो गया 11:30 हो गया, तो देखते हैं कितना टाइम में हम लोग। 11:30 चलो भाई मिलता है। चलो भाई मिलते हैं रोड में या किसी जगह पे। तो चलो फिर अभी है हम लोग बिचुंडमुन में, जो बिचुंडमुन से उदयपुर का डिस्टेंस है 18 किलोमीटर। तो राजबाड़ी में जा रहे हैं, बहुत दिनों बाद नहीं, मैं फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ। तो साउथ त्रिपुरा तो एक्सप्लोर कर चुका है, तो अभी जा रहा है उधर उदयपुर की साइड में। उदयपुर तो मातरबाड़ी भी देखा दिया मैंने, वो फर्स्ट या सेकंड ब्लॉक में होगा। तो अभी फिलहाल चलते इधर थोड़ा सा रेस्ट कर रहे क्योंकि बहुत जर्नी हो गया। तो अभी और भी है 18-17 किलोमीटर। तो फिलहाल चलो देखते हैं, आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है। हेलो, तो बाइक को अभी ठंडा कर रहे हैं ठंडा पानी से, देख सकते हो। डिस्कवर का हालत पूरा खराब हो गया है, फिर भी लॉक है, हम लोगों को खोलना पड़ रहा है। कोई नहीं है अभी। ये पूरा बाहर का व्यू है, मतलब व्यू पूरा ऐसा। ये है मंदिर, बहुत अच्छा ये मंदिर। तो और भी दूसरे साइड में और भी मंदिर है, तो अभी वहाँ पे भी जाएंगे, देखेंगे कैसा है। मंदिर का व्यू कुछ ऐसा है, इधर एक है टेम्पल, और बाकी अभी उस सेट में जाकर देखते हैं क्या क्या है नहीं है। ये जगह पे प्री वेडिंग वीडियो शूट वगैरह सब कुछ होता है, तो अभी लोकेशन भी दिखाएंगे कैसे। अभी उदयपुर का जो राजबाड़ी है यहाँ पे, तो इतना मतलब इतना अच्छा नहीं है, छोटा छोटा रूम है। सिर्फ इधर एक दरवाजा है बस, और दो लड़के आए हैं। अगर आएगा तो इधर क्या होता होगा बस समझ लो। तो अभी पूरा एक्सप्लोर करके दिखाएंगे कैसा है। तो अभी फिलहाल चलो बाहर आके देखो क्या है। RKS+PT ये सब तो लाभ हर जगह में है। दोपहर को बाहर निकल गए थे तो इतना धूप है, तो क्या करूँ अभी, सब लोग काले काले हो गए। हाँ बहुत धूप भी हो रहा है, और इधर ज़्यादातर कपल लोग ही है, तो पीछे भी कपल है। तो अभी हम लोग दो ही है, तो इधर घूम रहे हैं, इसके बाद निकल जाएंगे। अगर कुछ खाना वाना खाना है तो रोड से खा लेंगे बाहर से। तो मतलब कैसा है अच्छा यार? अच्छा मुझे अच्छा लगा, बट अगर जुलाई से सिर्फ इस पीस के लिए, इस मतलब जगह के लिए आ रहे हो तो सही नहीं है, उतना सही नहीं है। बाइक में बहुत बाइक में बहुत खर्चा आ रहा है। सही है, अगर बहुत बड़ा एरिया के लिए जाना हो तो इतना दूर आना है। अगर दो लोकेशन है तो मातरबाड़ी है और ये है, तो आओ, नहीं तो ये सिर्फ ये अगर प्लान करके आ रहे हो तो नहीं आओ, इतना अच्छा नहीं है, मुझे तो इतना अच्छा नहीं लगा है। तो चलो ज़्यादातर ये प्री वेडिंग वीडियो शूट के लिए आते हैं। 10 रुपये करके टिकट लगता है, अगर पार्किंग बाइक गाड़ी है तो 10 रुपये करके लगेगा टिकट, तो ये सब लेना पड़ेगा टिकट को। तो अभी निकलने जा रहे हैं क्योंकि गर्मी भी लग रही है और फ़ायदा नहीं है कोई यहाँ पे बैठ के। फिर से दूसरा लोकेशन नहीं मतलब ये रोड से साथ में है, तो अभी देखते हैं क्या है। सेम ही है लोकेशन, तो अभी मतलब इतना अच्छा नहीं लग रहा, इतना धूप में मतलब घूमने का टाइम सही नहीं है आज का। तो मैंने बहुत गलत टाइम में निकले भाई लोग, और बहुत दूर भी आ गया हम लोग। भाई जिंदगी में अगर ठीक है, सुंदर है प्लेस, बहुत इतना थोड़ा सा अच्छा आएगा। रोस्ट डे आज का दिन मेरे लिए बहुत मतलब घटिया था, पता नहीं इतना दूर है आगे उदयपुर। उदयपुर थोड़ा सा पानी भी पी लेते हैं इधर से। टेम्पल है गुणवती मंदिर, तो अभी देख सकते हो पूरा अच्छा ही है। मतलब हम लोगों का टाइम सही नहीं है, इसलिए मतलब दोपहर को बाहर निकल गए थे, इसलिए अगर शाम को आओगे या 4 या 5 बजे के बाद आओगे तो सही है। चलो भाई चलते हैं। तो अभी फिलहाल निकल जाएंगे, कुछ खाना वाना खाते हैं बाहर से। रोड के साइड में देखा था मैंने, अच्छा अच्छा है,
तो पानी पूरी वगैरह है, तो जाके खाते हैं फिलहाल। तो चलो यार, आगे अभी जो रोड की साइड में मतलब शिव मंदिर है, शिव मंदिर है उधर, हनुमान मंदिर भी है उधर, काली मंदिर भी है। तो ये मंदिर भी बहुत अच्छा है, मतलब ये भी पॉपुलर हुआ था फेसबुक में मैंने देखा था, तो इसलिए ये भी टूर करके जा रहा हूँ। तो लला अभी चलते हैं बाहर, बहुत धूप है आज भाई। चलते हैं जुलावेरी, तो जुलावेरी में अगर रोड में कुछ खाना है तो खाएंगे, नहीं तो सीधा चले जाएंगे घर। बहुत ही लेट हो गया है और धूप भी बहुत ज़्यादा है, तो खाना वाना खा के थोड़ा बहुत रोड के साइड में वो चलते। दही और पानी पुस्का ऑर्डर किया है, तो खा के देखते हैं कैसा है, तो टेस्ट रिव्यू खाने की बात देते है। हालात देख लो कितना काला हो गया और भाई जो हो गया था, हाँ कोई नहीं, तो अभी हालात खराब है, अभी कोई लड़की नहीं, लड़की सिर्फ लड़की और लड़के। तो इधर दही पुस्का रेडी हो रहा है, दही पानी पूरी, तो खाने के बाद रिव्यू वगैरह देते हैं कैसा है। घर से टाइम दे दिया लास्ट टाइम, 2 बजे से पहले घर चला जाऊंगा, तो अभी भी बहुत टाइम हो गया। कितना टाइम हो गया? मेरा सनग्लास कहाँ गया? सनग्लास पता नहीं, तो अभी 1:30 टाइम हो गया, देखते कितना बजे घर पहुँचेंगे, देखते कैसा हुआ है। हाँ सही है, कैसा है खानपुर बाजार में। तो अभी बाइक का फ्यूल अप भी हो गया है, तो इसके बाद निकल जाएंगे घर के लिए, तो एनर्जी भी खत्म हो चुका है। और क्या कैसा लग रहा है इतना लॉन्ग जर्नी करने के बाद? मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा मुंह देखो क्या हो गया। मतलब 40 किलोमीटर जाने में, 40 किलोमीटर आने में, 40 किलोमीटर और मंदिर में जाते जाते 7 किलोमीटर हो गया, टोटल 100 किलोमीटर जैसे हो गया। तो भाई ब्लॉगिंग के लिए भाई देखो क्या क्या करना पड़ रहा है। तो भाई ने तो फोटोशूट किया है, तो इतना ही बस आज का ब्लॉग में, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग और भी अच्छा आने वाला है। तो आप लोग ज़्यादा से भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कुछ ज़्यादा अच्छा लगे सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड पीच एंड बाय बाय गाइस। ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं चाहिए और 23 जैसे सब्सक्राइबर चाहिए, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, तभी और भी अच्छा अच्छा ब्लॉग आने वाला है, तो सपोर्ट करते रहो बस ऐसे ही। तो आज का ब्लॉग ये पे एंड होते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग और भी जल्दी आने वाला है, तो बाहर का नॉइज़ पूरा सा इग्नोर करो।